तीन चार मिनट बाद फ्लैग आएगा सर। कहने में उसको उनको ऑन बोर्ड लेके उसकी बीवी का वैसे भी सर्जरी हुई हुई है तो मैं कोई थोड़ा सा रेस्ट करके दूँ। एक काम सर, कल मुझे मरियम साहब ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैक आया। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई वो मुझे दिया गया उनका केस दिया, आप उसको देख लें डॉक्टर सर। मैं बात सुने ना उसका तरीका है, मुझे रात बात की थी, राइटली सो करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिलने के जी ये इश्यूज हैं ये मैं तो दो काम उन्हें बताया। एक उनका ग्रिड स्टेशन आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट, वही है ना, ऐसा ही है सर। हाँ, तो बाकी आधा रह गया हुआ है सर। इश्यू ये है कि वो पहले जाएगा ECC में, फिर आएगा कैबिनेट में, अब प्राइम मिनिस्टर की अजीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट फैमिली इंडिया से मशीनरी आना, ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर, ऑप्टिक्स से ये बिल्कुल गले पड़ जाएगी बात। आई एग्री, बिल्कुल मैं मानता हूँ। तो उसको आप पहले बता दें, फिर मैं उसे खुद बात कर लूंगा बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है। वो दूसरा जो काम है ना सर उनका मेपको वाला, जो ग्रेड स्टेशन की उन्होंने इत्तेहाद पार्क बनाया रही घर खान में, वो हम करा रहे हैं। दो काम उन्होंने बताए थे, पहला तो मैंने कहा मैं अभी लग जाता हूँ। इत्तेहाद पार्क क्या है? कोई बाहर हाउसिंग सोसाइटी बना रहे होंगे सर, तो हाउसिंग सोसाइटी में अपना ग्रेड स्टेशन बनाना पड़ेगा। नेशनल वे में हो जाएगा सर, वो तो हो जाएगा सर, वो तो रोज लोग कराते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन ये जो है ना सर इंडिया से मिशन निकालने में बड़ा बड़ा फ्लैक आएगा जी जी। और फिर रात होता ना सर चुपके से आ जाती, ECC में ले जाना, वहां डिस्कस होना इस नाम से, फिर कैबिनेट में डिस्कस होना, उसको आप बात करें। फिर मैं जब लंदन से अपना टर्की जाऊंगी, मैं खुद बुला के समझा दूंगा। मेरी राय तो ये सर कि मुनासिब वक्त पे हम डार साहब की ड्यूटी लगाए, वो कर लेते हैं सर। वो बड़े मियां साहब थे, गाड़ी भी उन्होंने रिव्यू करा ली थी, वो फिर नहीं गई सर। ठीक है, फिर इस तरह कर लें जी सर, इस तरह कर लें। ठीक बाकी सर ये बात है सर, ये हमें लियास राणा भी कल हमें फवाद साहब भी मिले थे, ये सब लोग कह रहे हैं सर कि बहुत तसल्ली कर लें, ये मकबूल बाकिर में आप वही गलती करने जा रहे हैं जो आपने की थी जब।